Assalamu alaikum. Today's our topic is tonsils. Tonsils are the lymphoid organ. We previously discussed are the three lymphoid organs: spleen, lymph nodes, and thymus. Now, जैसे पहले टाइम टॉन्सिल्स ही नहीं है, हमारे बेसिकली ये होते हैं, तीन टॉन्सिल्स होते हैं और वो हमारे होते हैं ओरोफेरिंग्स के अंदर. ओरोफेरिंग्स कहते हैं हमारा जो ओरल कैविटी है, उधर ये एक रिंग बनाते हैं जिसे कहते हैं वॉल्डेयर रिंग. अगर ये आपके लिप्स हैं, ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है, यहाँ पे आपके अपर टीथ आ गए, ये लोअर टीथ है, तो यहाँ पे आपको यूविला नजर आता है लटकता हुआ ना. तो आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, एक होता है लिंगुअल टॉन्सिल्स, वो इधर होगा टंग के ऊपर, एक होता है एडिनल टॉन्सिल्स, वो होता है इस तरफ को, और बाकी आपके ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं ये यहाँ पे होते हैं इस तरह से. तो ये एक रिंग बना रहे हैं, ये एक रिंग है, इसे कहते हैं वॉल्डेयर्स रिंग. ओरोफेरिंग इस्थमस में होता है, ये हेड एंड नेक का टॉपिक है, उधर पढ़ेंगे. तो हमने अब ये देखना है कि इसको ड्रॉ किस तरह से करना है और इसकी बेसिक्स क्या है, क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. हम पीवीएस जितने भी हमने अपने लिम्फॉइड ऑर्गन्स किए हैं उनमें हमने एक चीज पढ़ी है, वह है लिम्फेटिक नोड्यूल्स. इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट इसके पैरेन्काइमा में आपको सिर्फ और सिर्फ लिम्फेटिक नोड्यूल्स ही मिलेंगे. मतलब इसके पास क्या क्या होगा, इसके पास कैप्सूल भी है, कैप्सूल से ट्रेबिक्यूली भी निकलेंगी, ट्रेबिक्यूली ये भी निकलेंगी, बट यहां पे जो है आपका जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, इनमें जो ट्रेबिक्यूली हैं ये एक्सटर्नली आपके टॉन्सिल्स को कवर नहीं करेंगी, ये इंटरनली कवर करेंगे. वो हम देख लेंगे डायग्राम के अंदर कि ये किस तरह से इंटरनली कवर करेंगे. तो उसमें आपका पैरेन्काइमा आ जाएगा, लेकिन यहां पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्रेबिकुली आपके पैरेन्काइमा को डिवाइड करें, जस्ट ये पेनिट्रेशंस हैं, जस्ट इसने पेनिट्रेट करना आपके पैरेन्काइमा में और कुछ भी नहीं करना. और पैरेन्काइमा में जस्ट लिम्फेटिक नोड्यूल्स है, और लिम्फेटिक नोड्यूल्स में आपको पता है कि कॉर्टेक्स होगा उसका और जर्मिनल जोन होगी. अगर जर्मिनल जोन है तो जर्मिनल जोन से आपके बी सेल्स बन रहे थे, बी सेल्स आगे प्लाज्मा सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स आगे एंटीबॉडीज बना देंगे. ओके, जस्ट इसके अंदर ये है. अब इसके डायग्राम देख लेते हैं, इसके डायग्राम है ये वाली. अगर इसको इसी पोजीशन में रखा जाए जिस तरह से ये पड़े होते हैं, तो ये इस तरह से होती हैं. आप इसी इस तरह से कि ये वाली इसकी ओरल कैविटी की तरफ फेस कर रही होती है, और ये बाकी आपके ये लिप एंगल पे, ये लिप के एंगल है, तो ये इस तरफ को फेस कर रही होती है. अब आपका जो कैप्सूल है वो इस लिप के एंगल पे है, इस तरफ से कैप्सूल, आपका कैप्सूल बाहर की तरफ से अंदर की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर रहा, जिस तरह से हम थाइमस में देखा, लिम्फ नोड में देखा, स्प्लीन में देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें इंटरनली और जस्ट ट्रेबिकुली की पेनिट्रेशन हो रही है, और हर जगह आपको पैरेन्काइमा के अंदर लिम्फेटिक नोड्यूल्स नजर आ रही है, और इसकी एपिथीलियम है, क्योंकि ये आप हम आगे एपिथीलियम में पढ़ेंगे कि आपकी जो भी ओरल कैविटी होती है वो सारी की सारी स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथीलियम से कवर हुई होती है.
तो अब इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं कैसे इसको ड्रॉ किया जा सकता है। पहले तो आप इसको इस तरह से बना लेना, हल्का सा इसको टच देके कि इसके ऊपर हमने वर्क करना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीजें होती है ना, इनको कहते हैं क्रिप्ट्स। ये छोड़ अंदर जो ये मतलब इमेजिनेशंस बनी हुई हैं, इमेजिनेशंस हैं, ये क्रिप्ट्स। क्रिप्ट्स मीन इनमें ये कैनाल्स हैं, खाली जगह हैं यहाँ पे, तो इनको कहते हैं टॉन्सलर क्रिप्ट्स। आगे लेबल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एपिथीलियम ड्रॉ करनी है स्ट्रेटिफाइड वाली। स्ट्रेटिफाइड मीन मल्टीपल। तो यहाँ पे मल्टीपल आप एपिथीलियम बनाए। इसी तरह से इसके नीचे को और ऐसे की लेयर बना दें। मैं थोड़ी स्पेसिस देके कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि इस लेक्चर को तकरीबन 20 मिनट्स के अंदर अंदर कवर करना होता है, तो उस वजह से मैं स्पेसिस दे रहा हूँ। लेकिन आप इन सेल्स को कंडेंस बिल्कुल साथ साथ जोड़ के भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप एक और लेयर बना दें, मतलब थ्री लेयर्स आपने किसी तरह से बनानी है। ओके, यहाँ पे आपने ये इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसमें न्यूक्लियाई भी बनाए शॉर्ट शॉर्ट डॉट डॉट लगा के।
डन। अब ये जो जो आपकी थर्ड लेयर है इसको यहाँ थोड़ा सा ना डार्क कर दें, इसको डार्क कर दें बस, ताकि डिफ्रेंशिएशन हो सके। ओके अब आपने बनाना है कैप्सूल। इसका कैप्सूल ये नहीं कि आप इधर से इसका कैप्सूल ड्रॉ करेंगे और ट्रॉपिकली अंडरगो, नहीं, इसका कैप्सूल है बाहर की तरफ। इसका कैप्सूल आ गया, और अब इस कैप्सूल के अंदर से ट्रॉपिकली निकलेंगी। ये टॉपिक के लिए आगे में ओके। और अगर आपने टॉपिक लिया तो टॉपिक के अंदर टॉपिक लिए आर्टरीज भी होती हैं, टॉपिक लिए आर्टरीज। अपने हमें थोड़े डॉट डॉट करने, कनेक्टिव टिश्यू शो हो सके। ओके ये आपके कैप्सूल था, कैप्सूल से ट्रैबिकल गई, कैप्सूल कैप्सूल से ट्रैबिकली ट्रैबी के लिए। ओके अब हमने क्या पूरे का पूरा पैरेन्काइमा जस्ट कुछ भी नहीं है सिवाय लिम्फेटिक नोड्यूल्स के, तो हम अब लिम्फेटिक नोड्यूल्स ड्रॉ करेंगे। लिम्फेटिक नोड्यूल्स यू ऑल नो कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं, प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा है कि स्प्लीन के अंदर, थाइमस के अंदर इस तरह से है। तो लिम्फेटिक नोड्यूल्स आपने हर जगह पे बना देने हैं, इस तरीके से आपके लिम्फेटिक नोड्यूल्स हर जगह से आ जाएंगे। इधर भी लिम्फेटिक नोड्यूल्स आ गए, इधर भी आ रही हैं, हर जगह आपने लिम्फेटिक नोड्यूल्स को बना देना है सर्कल में करके, डबल कर। ठीक है यहाँ पे भी नोड्यूल आ गया, इधर भी नोड्यूल आ गया। नोड्यूल्स का बेसिकली क्या फंक्शन होता है कि ये बी सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं जो आगे एंटीबॉडीज बनाते हैं आपके बॉडी के अंदर किसी फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट। यहाँ पे भी नोड्यूल, ये भी नोड्यूल आ गए, बस थोड़े से और नोड्यूल्स बना दें और बस मूवर। मैंने बहुत कम बनाए हैं लेकिन आप इस सारे एरिया को भी नोड्यूल से भर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अब जस्ट अब आप इसमें क्या करें कि जस्ट थोड़ा सा ये नोड्यूल्स को डार्कन कर दें,
मैं एक को एक दो को डार्क कर देता हूँ, बाकी को आप सबको खुद डार्क कर लीजिएगा ताकि डिफ्रेंशिएट हो पाए इसका कोर्टेक्स क्या और इसका जर्मिनल जोन कौन सा है। मैं कर ही देता हूँ सबको। नहीं ये भी हो गया। अब कुछ नहीं, जस्ट कनेक्टिव टिश्यू रह गई है तो ये डॉट डॉट डाल के जा के और बस इसको डार्कन कर दें हल्का सा डार्कन। बस ये जनरल जोन्स का आप ख्याल रखिएगा कि इसको नहीं आपने डार्कन करना, लाइटली बस आराम से इसको इस तरीके से कर दें। और अब देखने आपकी ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स और इस जो डायग्राम है इसे कंपेयर कर लें कि आपने इसको ड्रॉ कर लिया, आपने पेपर में इस तरह से ड्रॉ कर लिया एंड दैट्स इनफ फॉर यू। तो बाकी इसको लेबल कर लें थोड़ा बहुत, ये एपिथीलियम कौन सी थी, ये एपिथीलियम है स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस स्क्वेमस स्क्वेमस, लेकिन उनमें भी दो टाइप आती हैं, नॉन क्रेटिनाइज्ड है अनक्रेटिनाइज्ड है ओके। और यहाँ पे क्या है, ये हैं आपके लिम्फेटिक नोड्यूल्स, लिम्फेटिक नोड्यूल्स उनमें क्या उसका कॉर्टेक्स और जर्मिनल जोन है। और ये क्या है, ये है ट्रेबिकुलरी आर्टरी, ट्रेबिकुलर आर्टरी। थैंक्स, होप सो ये आप सबको ये बनानी आ गई हो। और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि इसमें क्या कमी पेशी है, आगे नेक्स्ट वीडियोस में ये कमी को दूर किया जाए। थैंक यू।